हम हैं मॉडर्न कार वॉश में, जो कि गुवाहाटी खाओ कुछ जगह है वहाँ पर है। मैं गाड़ी को लेकर आया यहाँ पर, और यहाँ पर गाड़ी को चला दिया ऊपर ताकि नीचे से पूरा साफ हो सके। और एक्चुअली दूसरा ढेर सारा गाड़ी भी यहाँ पर वॉश हो रहा है, तो इसके चलते मेरा साउंड थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन गाड़ी का जो नीचे का हालत है वो बहुत ही खराब हो गया है, गंदा हो गया है एकदम। नीचे का हालत एकदम ही गंदा हो गया है, तो देखते हैं कैसे क्या साफ करते हैं। गाड़ी का वॉशिंग पूरा दिखाएंगे आपको आज। ये मॉडर्न कार वॉश में हम लोग अभी है, जो कि साउकोची में है। इसका डिटेल्स भी हम दे देंगे आपको। गाड़ी का अंडर बॉडी क्लीनिंग हो चुका है, और देखिए कितना सुंदर तरीके से किया गया है क्लीनिंग। पूरा अंडर बॉडी हो गया है काम कंप्लीट। फ्री वॉशिंग हो रहा है गाड़ी का, तो मतलब फोम वॉश से पहले ऊपर वॉश कर लेते हैं पानी से, फिर उसके बाद फोम वॉशिंग करता है। पहले अभी प्री वॉश होगा, उसके बाद फोम वॉशिंग होगा। ये बहुत अच्छी तरीके से प्री वॉशिंग हो रहा है, क्योंकि वो लोग हर कोना हर पॉइंट वो लोग देख के वॉश कर रहे हैं, एक एक पॉइंट देख के कर रहे हैं। अभी गाड़ी में फोम का यूज किया जा रहा है, देखिए इस फोम वॉश के बाद गाड़ी का कंप्लीट होगा। अभी टायर पॉलिशिंग हो रहा है, ये लिक्विड से लोग टायर को पॉलिश करते हैं। अभी पॉलिशिंग चल रहा है, जितना भी ब्लैक पोर्शन है गाड़ी में पूरा ब्लैक पोर्शन में पॉलिशिंग चल रहा है। तो इंटीरियर पे पॉलिशिंग हो चुका है, डोर्स में बाकी है, डोर्स चल रहा है, ये डोर भी हो चुका है। जो ब्लैक पार्ट है उसका पॉलिशिंग हो गया है। अभी टोटल गाड़ी का जो पूरा बॉडी है वो पॉलिश होगा, देखते हैं उस पॉलिश के बाद गाड़ी कैसा लगता है। पहले वो गाड़ी को पॉलिश होता है, पॉलिश होने के बाद पता चलेगा कि कैसा लगता है। ये अपना पुराना कलर फिर से इसको मिल गया है, क्योंकि थोड़ी वाला ट्रिप के बाद इसका हालत बहुत ही ख़राब हो गया था, तो अभी ऑलमोस्ट उसका पुराना कलर वापस आ गया है। देखते हैं पूरा काम होने के बाद कैसा लगता है। अभी गाड़ी का जो ग्लास है, ऑल ग्लास पार्ट्स जो भी है, मतलब विंडशील्ड और विंडो और सारे पॉलिश हो चुके हैं, और एकदम चकाचक लग रहा है अभी गाड़ी, पूरा क्लियर हो गया है। तो एक के बाद एक पार्ट बाई पार्ट ये लोग कर रहे हैं, मतलब फाइनल पॉलिशिंग का काम चल रहा है। अभी जो कार वॉश का जो काम है, ये फाइनल पॉलिशिंग के बाद ही कम्प्लीट होगा, तो इसके बाद देखते हैं क्या शाइनिंग आता है गाड़ी में। क्योंकि ये लोग बता रहे थे कि ये पॉलिश के बाद गाड़ी में टोटल शाइनिंग आ जाएगा, देखते हैं एक बार क्या होता है। और अभी गर्मी भी बहुत है गुवाहाटी में, एकदम पसीना पसीना हो रहे हैं, तो देखते हो कितना टाइम रुकना पड़ता है। ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो गया है काम कम चल रहा है गाड़ी में, तो अभी देखते और कितना टाइम लगता है। अभी पूरा ऑलरेडी पॉलिशिंग वगैरह हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कितनी शाइनिंग आ गया है। और एक्चुअली यहाँ पर काम होता रहता है, तो थोड़ा साउंड का भी इशू आ सकता है, लेकिन
गाड़ी पूरा चकाचक बन गया है और देख सकते हैं। तो ये है मिस्टर गौतम नाथ जो कि मॉडर्न कार वॉश का ओनर है और इन्होंने रह के पूरा काम कराया है गाड़ी का और आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से गाड़ी का काम किया गया है। तो कभी भी आप लोगों का कुछ गाड़ी का वॉशिंग वगैरह कुछ कराना हो तो आप लोग मॉडर्न कार वॉश में आ सकते हैं और भाई साहब आपको थोड़ा डिस्काउंट भी कर देंगे, जो रेट है उससे थोड़ा डिस्काउंट भी कर देंगे। तो आप लोग आइए यहाँ पर और आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा पूरा ये डिटेल्स की किस तरीके से गाड़ी का वॉश किया गया है। तो ठीक है और आप लोग बताएगा कमेंट में कि कार वॉश जो किया है कैसा लगा आप लोगों को और अगर किसी को कार वॉश वगैरह कराना तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और मैं कोड दे दूंगा उसमें, वो कोड बोलने से भैया आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कर देंगे। कार वॉशिंग के बाद हम निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं घर के तरफ और अभी एक्चुअली आरिका भी स्कूल से आने वाली है तो उसको पिकअप करके घर में चले जाएंगे। कैसा लगा ये कार वॉशिंग मॉडर्न कार वॉश का काइंडली बताइएगा कमेंट में और किसी को अगर कार वॉश वगैरह कराना है तो मैं कोड भी डाल दूंगा और डिस्काउंट भी उसमें परसेंटेज डाल दूंगा। तो आप जाइए वहाँ पर, एक्चुअली सही है कोई ऑलरेडी मैं बहुत जगह में कार वॉशिंग करा चुका हूँ लेकिन मॉडर्न कार वॉश में जो कार वॉशिंग प्रोसीड्यूर है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और वो लोग मतलब बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो जाइए वहाँ पर कार बाइक जो भी वॉशिंग आपको कराना है और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर किसी को शेयर करना है मॉडर्न कार वॉश का डिटेल्स तो आप लोग वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अभी आरिका को मैंने पिकअप कर लिया है, स्कूल से आ चुकी है। एक्चुअली 2 बजे उसकी स्कूल छुट्टी होती है और एक्चुअली जो मेरा बिजनेस प्लेस है यहाँ पर उसको उतारा जाता है बस से, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हो जाता है ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद ही आता है। तो एक बार आप लोग बताएं कि आरिका का ड्रेस देख के कि ये कौन सा स्कूल में पढ़ती है, तो आप लोग काइंडली कमेंट करके बताएं कि आरिका कौन सा स्कूल में पढ़ती है। अगर कोई इस ड्रेस को देख के बता सके तो काइंडली बताइए कि आरिका कौन सा स्कूल का स्टूडेंट है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी हम लोग घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर मुझे अपना बिजनेस प्लेस में आना है। और अगर कोई नया इस चैनल को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।